हाय, दिस इज एनएच ग्रीन फ्रॉम ग्रीन इंग्लिश। आज हम भारत इज माय होम बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 चैप्टर 2 के वर्ड मीनिंग को देखेंगे। और ये वर्ड मीनिंग हम यहाँ इसलिए देख लेंगे ताकि जब हम चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो वहाँ हमें काफ़ी समय नहीं लगेगा और आप जो है पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत इज माई होम, ये जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है। ओके, यहाँ पे पहला जो वर्ड मीनिंग है वो एमिनेंट। एमिनेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, प्रतिष्ठित, और यह एडजेक्टिव है। एजुकेशनिस्ट यह नाउन है, इसका अर्थ है अ प्रोफेशनल एजुकेटर। ओके, यहाँ सर्वड, ये सर्व वर्ब का तीसरा फॉर्म है, यहाँ हैड लगा हुआ है, यह पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल हुआ है। तो सर्व वर्ब है और इसका अर्थ होता है सेवा करना। एक्सट्रैक्ट यह नाउन है, इसका अर्थ है अंश या भाग। ओथ यह नाउन है, इसका अर्थ शपथ। ओके, प्लेज यह नाउन भी है और वर्ब भी है, और यहाँ पे ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। नाउन में प्रतिज्ञा, वर्ब में प्रतिज्ञा लेना, कुछ करने के लिए वचन देना, यह प्लेज होता है। टोटलिटी यह नाउन है और इसका अर्थ होता है पूर्ण, समग्रता। ओके, कल्चर, कल्चर नाउन है और इसका अर्थ किसी समाज, देश आदि की प्रथाएं, विचारधाराएं, विश्वास, संस्कृति। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। कन्फेस, कन्फेस वर्ब है और इसका अर्थ होता है स्वीकार करना, कबूल करना। ओवरवेलम्ड, ये ओवरवेलम वर्ब से बना हुआ है और ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, क्योंकि एम वर्ब टू के बाद अगर वर्ब इस्तेमाल होता है तो वो तीसरे फॉर्म में इस्तेमाल होता है। तो ओवरवेलम वर्ब है और इसका अर्थ होता है अभिभूत हो जाना, डूब जाना, रोमांचित होना। ट्रस्ट नाउन, इसका अर्थ विश्वास, भरोसा। ओके, इक्विपमेंट यह नाउन है, इसका अर्थ साधन या उपकरण। ओके, यूरिडिशन यह नाउन है, इसका अर्थ ज्ञान, रेयरली, शायद ही, कभी। ओके, परसूट, परसूट जो है वह नाउन है, इसका अर्थ होता है पीछा, लक्ष्य, कुछ पाने की कोशिश। ओके, फिलोसॉफिकल यह एडजेक्टिव भी है और नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है, इसका अर्थ है दर्शन विषयक या दार्शनिक। ओके, और उसके बाद एसेंशियल, एसेंशियल जो है यह एडजेक्टिव है, इसका अर्थ आवश्यक। ह्यूमैनिटी यह नाउन है, ह्यूमैनिटी का अर्थ होता है मानवता या मानव जाति। ओके, सीज्ड यह वर्ब है और इसका अर्थ होता है समाप्त होना। चैम्पियन, चैम्पियन नाउन है, इसका अर्थ विजेता, और हिंदी में भी इसे हम चैम्पियन भी कह सकते हैं। ओके, डिग्निटी नाउन, गरिमा, गौरव, मर्यादा, शान। ओके, मर्यादा। एश्योर, एश्योर वर्ब और इसका अर्थ है आश्वासन देना, भरोसा दिलाना। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी नाउन है, इसका अर्थ विनम्रता। और डेडिकेशन, डेडिकेशन नाउन निष्ठा। लॉयलिटी नाउन है और लॉयलिटी का भी अर्थ होता है निष्ठा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। कंपैरेटिवली यह एडवर्ब है और इसका अर्थ होता है कंपैरेटिवली अपेक्षाकृत। ओके, एंशंट यह जो है यह एडजेक्टिव है, इसका अर्थ है प्राचीन। मिलेनिया, मिलेनिया जो है प्लुरल फॉर्म है मिलेनियम का। ओके, एम आई डबल एल ई डबल एन आई यू एम, और इसका अर्थ होता है पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, यानी एक साल का जो अवधि है उसे हम मिलेनिया कहते हैं। डाइवर्स यह एडजेक्टिव है, इसका अर्थ विविध, एक दूसरे से अलग। एथनिक यह एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है विशेष जाति या धर्म से संबंधित, रेशियल या कल्चरल इसको हम कह सकते हैं। यह एस्ट्रीवन यह स्ट्राइव का तीसरा फॉर्म है, स्ट्राइव, स्ट्रोव, स्ट्रीवन, इसका स्ट्राइव का फॉर्म स्ट्राइव्ड, स्ट्राइव्ड भी होता है। ओके, तो स्ट्राइव का अर्थ जो होता है कठोर परिश्रम करना।
ओके, यह जो है एब्सोल्यूट, यह एडजेक्टिव है, इसका अर्थ है पूरा, कंप्लीट। पिक्यूलिया, पिक्यूलिया भी एडजेक्टिव है, इसका अर्थ अजीब और सामान्य। प्लेज नाउन भी है, वर्ब भी है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा लेना, कुछ करने के लिए वचन देना। कंक्रीट, यह एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है ठोस या रियल। ओके, रियलाइजेशन यह नाउन है, इसका अर्थ एहसास होता है। इन एडुकेट, यह एडजेक्टिव है और पर्याप्त इसका अर्थ होता है। स्टैटिक एडजेक्टिव, स्थिर, गतिहीन। डायनामिक एडजेक्टिव, गतिशील। डिटरमाइनिंग, यह नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है और यह डिटरमाइन वर्ब से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है निर्धारित करने में। प्रोस्पेक्ट, यह नाउन है, इसका अर्थ आसार, कुछ घटित होने की संभावना। ओके, कॉन्स्टेंट एडजेक्टिव है, लगातार, निरंतर, निरंतर। इंडीड, यह भी एडवर्ब है और निश्चित रूप से। फॉर गिवन या फॉर गिवन, तो फॉर गिव का अर्थ हो जो होता है माफ करना। प्रिजम्पशन, यह नाउन है, इसका अर्थ है धारणा, परिकल्पना। एंटायरली एडवर्ब है, पूरी तरह से। इंस्ट्रूमेंट नाउन, उपकरण, किसी लक्ष्य की प्राप्ति का साधन। इन एस्केपेबली, तो यहाँ स्केप से बना हुआ है इन, और ये इसका जो है बिल्कुल उल्टा होता है इन लगाने की वजह से। तो स्केप का अर्थ होता है भाग जाना, हट जाना। ओके, तो यहाँ इन एस्केपेबली का अर्थ होगा जिसे टाला ना जा सके, अनिवार्य। यह जो है एडजेक्टिव की तरह, यहाँ पे सॉरी, यह एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इन एस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी। ओके, ये जो है एडवर्ब की तरह इस्तेमाल है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है वेयर सो एवर, यह एडवर्ब और कंजंक्शन दोनों की तरह इस्तेमाल होता है, इसका अर्थ है जहाँ, कहीं। हुम सो एवर, यह भी एडवर्ब और कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल होता है, जिस, किसी। ओके, इरिस्पेक्टिव, यह एडजेक्टिव है, इसका अर्थ है निरपेक्ष, नॉट टेकिंग इन अकाउंट, इसका अर्थ। डिस्टिंक्शन, यह नाउन है, इसका अर्थ होगा विशिष्टता। ओके, क्रीड, यह क्रीड नाउन है, धार्मिक मान्यता, यूँ सिद्धांत, मत। ओके, नेक्स्ट अर्नेस्ट, यह एडजेक्टिव है, गंभीर या दृढ़ निश्चय वाला। इंडिवर, इंडिवर वर्ब भी है, नाउन भी है, इसका अर्थ होता है कठोर परिश्रम या कठोर परिश्रम करना। सीक, सीक जो है, सीक का अर्थ होता है खोजना, ये वर्ब है। ओके, फैसिनेटिंग, यहाँ पे नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है, ये वर्ब से बना है, फैसिनेट, और इसका जो अर्थ होता है आकर्षित करना या मोहित करना। ओके, प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस एडजेक्टिव है और प्रोस्पेरस का अर्थ होता है समृद्ध, धनी और सफल। रादर एडवर्ब है, किसी हद तक, काफ़ी। इनकन्वीनियंटली, इनकन्वीनियंटली एडवर्ब परेशानी से, असुविधा से, बेढंगेपन से। अनएस्पेयरिंगली, यह एडवर्ब है, इसका अर्थ है नॉट केयरिंग अबाउट पीपल फीलिंग, किसी के फीलिंग्स का केयर ना करते हुए, विदाउट हैविंग एनी मर्सी, बिना किसी मर्सी के। ओके, शीयर, शीयर एडजेक्टिव है, इसका अर्थ है केवल और मात्र। एफोर्ड, ये वर्ब है, इसका अर्थ है हानि न सह सकना, बर्दाश्त करना। ओके, फ्रस्ट्रेशन, यह नाउन है, इसका अर्थ निराशा। और एंडेमिक, एंडेमिक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ है स्थानिक, यानी किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई बीमारी फैले या कोई समस्या हो उसके लिए यह उपयुक्त होता है। और पेंडेमिक जो होता है ये पूरे व्यापक रूप से होता है। ओके, सिंसियर, सिंसियर जो है यह एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है ईमानदार, सच्चा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ म्यूचुअली, म्यूचुअली एडवर्ब है, इसका अर्थ है परस्पर, आपस में। फ्रूटफुल, यह एडजेक्टिव है और इसका अर्थ है फलदायक, लाभदायक। एस्पेक्ट, ये नाउन है, इसका अर्थ है दृष्टिकोण, पहलू। ओके, अर्ज, अर्ज नाउन है,
तीव्र आवश्यकता या इच्छा को हम अर्ज कहते हैं। सेल्फ इम्पोज्ड नाउन है, खुद से लगाया गया या खुद से थोपा गया। रेंडर यह वर्ब है, इसका अर्थ है किसी को सहारा, किसी को सहायता देना, सहारा देना, व्यक्ति या वस्तु को किसी स्थिति में डाल देना, डैट इज रेंडर। एंड पेरिल यह नाउन है और इसका अर्थ होता है गंभीर खतरा, संकट। ओके, अप्रोक्सीमेशन यह नाउन है, इसका अर्थ है लगभग सही गणना। ओके, प्रिविलेज या प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज से बना हुआ है, ये वर्ब थ्री है और प्रिविलेज जो है वर्ब और नाउन दोनों की तरह इस्तेमाल होता है, जिसका अर्थ होता है विशेष अधिकार या लाभ देना। ओके, जस्ट या जस्ट से बना हुआ है, कंपेरेटिव फॉर्म जस्ट से जस्ट बना हुआ है, तुरंत जिसका अर्थ होता है। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग एडजेक्टिव किसी से संबंधित या उसके समान। यह एग्जिस्टेंस नाउन है, अस्तित्व। रिजॉल्व वर्ब है, इसका अर्थ किसी समस्या का हल निकालना। एंड होल हार्टेडली यह एडवर्ब है, पूरे मन से, सच्चे हृदय से। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे है ड्यूअल, यह एडजेक्टिव है, इसका अर्थ है दोहरा, दो अंश वाला। इनहेरिटेंस यह नाउन है, इसका अर्थ होता है उत्तराधिकार, विरासत। लिबरेशन यह नाउन है, आज़ादी, मुक्ति। ओके, फोर्थ एडवर्ब है, इसका अर्थ आगे। एंड रिक्विजिट यह एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है आवश्यक, यह नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है। ओके, यहाँ पे ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी, रिक्विजिट एनर्जी, रिक्विजिट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री, तो यह जो है नाउन एंड एज वेल एज एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। ओके, यहाँ पे नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। इनचैंटिंग, इनचैंटिंग एडजेक्टिव है, इसका अर्थ आकर्षक, मोहक। इंटरप्राइज यह नाउन है, एंटरप्राइज नाउन है और इसका अर्थ है नई योजना या व्यापार या नई योजना बनाने की क्षमता। ओके, तो यह भारत इज माई होम, इसके वर्ड मीनिंग जो है यह फिनिश हो गया। और मैंने ऑलरेडी जो पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उस पर भी वर्ड मीनिंग मैंने बनाया, आप वहाँ आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को बताएं। ओके, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।